बॉलीवुड किरदार शशि शेखर जिनके लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इनमें से कुछ ऐसी फिल्में हैं जो रिकॉर्ड तोड़ सकती है और कुछ आपके दिल को। तो चलिए बात करते हैं वो कौन कौन सी फिल्में हैं। नंबर 10 बड़े मियां छोटे मियां। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे अली अब्बास जफर डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म गोविंदा एंड अमिताभ बच्चन सर की मूवी बड़े मियां छोटे मियां की सीक्वल होने वाली है, जिसके लीड रोल में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, सोनाक्षी सिन्हा, मानु सिंह एंड पृथ्वीराज सुकुमार नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की टीजर आ चुकी है जो काफी अच्छी और प्रॉमिसिंग थी। ये फिल्म 15 अप्रैल को रिलीज होगी। नंबर 9 डॉन 3। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने जा रही है जिसे फरहान अख्तर डायरेक्ट कर रहे हैं। ये फिल्म डॉन फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी होने वाली है, जिसके लीड रोल में रणवीर सिंह देखने को मिलेंगे। इस फिल्म की अनाउंसमेंट टीजर भी आ चुकी है जिससे ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिएक्शन मिली थी। ये फिल्म 2025 में रिलीज होगी। नंबर 8 सिंघम अगेन। ये फिल्म सिंघम फ्रेंचाइज की थर्ड इंस्टॉलमेंट है जिसे रोहित शेट्टी डायरेक्ट करने वाले हैं। इसके लीड रोल में अजय देवगन, दीपिका, करीना कपूर, टाइगर श्रॉफ एंड एक ऐसा एक्टर जिसके साथ एक्टिंग का दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और वो है अर्जुन कपूर जो इस फिल्म में विलेन का रोल निभाने वाले हैं। पर एक अच्छी खबर है, इस फिल्म में अक्षय एंड रणवीर सिंह की कैमियो देखने को मिलेगी। ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी। नंबर 7 एनिमल पार्क। एनिमल मूवी की सीक्वल है जिसे संदीप भंगा रेड्डी डायरेक्ट करने वाले हैं। एनिमल मूवी के एंड में ये बता दिया गया था कि एनिमल पार्क में रणवीर कपूर न सिर्फ अजय हीरो बल्कि अजय विलेन का रोल भी प्ले करेंगे और इस बार और ज्यादा ब्रूटालिटी एंड एक्शन से भरपूर होने वाला है जो हमें 2025 में देखने को मिल जाएगी। नंबर 6 वन मूवी की सीक्वल है जिसे सीधा नाना डायरेक्ट करेंगे और इस फिल्म में ऋतिक रोशन लीड रोल में नजर आएंगे और इस बार विलेन की रोल में साथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर देखने को मिलेंगे। दोनों सुपरस्टार को एक ही स्क्रीन में देखने के लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। ऊपर से टाइगर 3 में कबीर की पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद तो अब फिल्म के लिए इंतजार ही नहीं हो रहा। जल्दी से आ जाए तो मजा ही आ जाएगा। वैसे ये एक स्पाई एक्शन मूवी है जो स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है और इस मूवी को मेकर्स अगस्त 14, 2025 को रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। नंबर 5 वेलकम टू द जंगल। ये फिल्म वेलकम फ्रेंचाइज की थर्ड मूवी होने वाली है जिसे अहमद खान डायरेक्ट कर रहे हैं। ये एक मल्टी स्टार मूवी है जिसमें हमें बॉलीवुड के आधे से ज्यादा एक्टर देखने को मिलेंगे। यही तो बस यही दिक्कत है। इस फिल्म की स्टार कास्ट लिस्ट में विलियन एक्ट्रेस दिशा पटानी और जैकलिन भी है। मजाक था भाई मजाक। ये फिल्म 20 दिसंबर 2024 में आने वाली है। नंबर 4 हाउसफुल 5। ये फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइज की फिफ्थ मूवी होने वाली है जिसे तरुण मंसूखानी के साथ सदित नादितवाला डायरेक्ट करेंगे। ये एक कॉमेडी ड्रामा मूवी होगी। रिपोर्ट के मुताबिक मूवी में हमें फिर से हाउसफुल 4 के पुराने स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मगर 2 स्टार कंफर्म है, रितेश देशमुख एंड अक्षय कुमार। ये मूवी 350 करोड़ के हाई बजट मूवी होने जा रही है जिसे डिफरेंट कंट्रीज में शूट किया जाएगा। VFX की भी बहुत बड़ी रोल होने वाली है इसलिए इसे पोस्टपोन किया गया था। अब ये फिल्म 6 जून 2025 को रिलीज होगी। नंबर 3 नो एंट्री 2। ये मूवी सलमान खान, अनिल कपूर एंड फादिल खान की ब्लॉकबस्टर मूवी नो एंट्री की सीक्वल है जिसमें हमें इस बार सारे नए एक्ट्रेस देखने को मिलेंगे। भाई ये क्या हो रहा है। सलमान की जगह वरुण धवन, अनिल कपूर की जगह अर्जुन कपूर एंड फादिल खान की जगह दिलजीत सिंह देखने को मिलेंगे। इससे अच्छा तो फिल्म ना ही बनाए तो अच्छा होगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये जो बॉलीवुड हमारे इमोशन के साथ खेल रही है ना, इन्हें नर्क में कुंभी पकड़ सजा भी मिले तो कम होगा। नंबर 2 आशिकी 3। ये फिल्म श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर की मूवी आशिकी 2 की थर्ड पार्ट है। ये एक रोमांटिक ड्रामा मूवी होने वाली है जिसमें हमें इस बार कार्तिक आर्यन देखने को मिलेंगे और फीमेल लीड में तृप्ति दिमरी देखने को मिल सकती है, पर पूरी तरह कंफर्म नहीं है। इस फिल्म को अनुराग बासु डायरेक्ट करने वाले हैं। उसे एक खबर आ रही है फिल्म की टाइटल चेंज कर दिया गया है, आशिकी 3 ना होकर तू आशिकी है होने वाली है। नंबर 1 हेरा फेरी 3। इस फिल्म के बहुत सालों से आने की बातें चल रही है मगर बात आगे बढ़ ही नहीं रही है, बट आने की पूरी उम्मीद है। वैसे फिल्म को जियो सिनेमा प्रोड्यूस करने वाली है पर इस मूवी की अभी तक ऑफिशियल कोई कंफर्मेशन नहीं है किसी भी चीज की, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते कौन डायरेक्ट करने वाला है। पर उम्मीद करते हैं अगर फिल्म बनती है तो पुराने स्टार कास्ट को ही लिया जाए। क्या आप भी इस फिल्म की इंतजार कर रहे हैं मेरी तरह, कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा खत्म।